मेरी नमाज तो इधर नियत बांधी और उधर दुनिया और दुनिया के बखेड़े कतार लगाकर सामने खड़े हो गए। जबान से अरबी के रटे रटाए जुमले निकलते रहते हैं और दिल में दुनिया के मसले, पैसों का लेन देन, कारोबार, घर के मसाइल। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो क्यों पढ़ते हैं आप नमाज, ना पढ़ा करें मेरी तरह? बस हाजिरी लगाने के लिए पढ़ता हूँ, चाहता हूँ कि हाजिरी लगती रहे रजिस्टर में। महबूब को पता तो चले कि आया है, चाहे सबक याद नहीं, क्लास में तो हाजिर है। और हाजिरियाँ लगती रही तो यकीन है कि क्लास से निकाला नहीं जाऊंगा, इम्तहान में भी बिठा लिया जाऊंगा। 33 नंबर तो आ ही जाएंगे और 33 नंबरों का मतलब है कि पास हो। पास क्या हुए, उसने अपने पास बिठा लिया, अपने पहलू में। किसने पास बिठाया? महबूब ने। और किसने? महबूब कौन? अल्लाह। और कौन? अल्लाह, महबूब। महबूब तो दिखाई देता, सुनाई देता, उसको तो छुआ जा सकता है, वो तो बोलता है, सुनता है, देखता है, खामोश। चुप क्यों हो गए बोलते बोलते? अल्लाह महबूब कैसे हो सकता है? वो तो मोहब्बत को सख्त नापसंद करता है। मोहब्बत करना तो गुनाह और मोहब्बत करने वाला तो गुनहगार होता है। कौन कहता है मोहब्बत गुनाह है? अल्लाह कहता है। तुमसे कहा अल्लाह ने खुद? नहीं, मौलवी साहब से कहा। उनसे किसने कहा? अल्लाह ने कहा होगा, वो तो अल्लाह के बहुत करीब है ना। तो तुम भी अल्लाह के करीब हो जाओ, डरो मत उसे, उसे अपने रास्ते की रुकावट मत समझो, वो तो तुम्हारा मददगार है, वो रुकावट नहीं, हर रुकावट दूर करने वाला। दूरी डर और खौफ पैदा करती है। तुम भी मेरी तरह हाजिरी लगवाना शुरू करो। प्रेजेंट सर, हाजिर जनाब, लबैक, कुछ भी कहो, नजदीक जाओ उसके। बेटा, दीन और मजहब अपनी असल में बड़ी प्यारी चीज है, बड़ा प्यारा दोस्त है, हर मुश्किल आसान करने वाला, आजमाइश शहीद है। खुदा हाफिज़।
तुम भी अल्लाह के करीब हो जाओ, डरो मत, उसे अपने रास्ते की रुकावट मत समझो। वो तो तुम्हारा मददगार है, हर रुकावट दूर करने वाला है। तुम भी हाजिर लगा दो। हाजिर जनाब, लबैक कुछ भी कहो, महबूब को पता तो चले के आया है। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। बात की उसने तुमसे? क्या कहता था वो? तो आपके जाने के बाद चला गया था जी। अरे शहर में उसको यही मस्जिद नजर आई, सैकड़ों मस्जिदें नमाज पढ़ने के लिए। ताजी, मस्जिद में आने से किसी को कौन रोक सकता है? ये तो अल्लाह ताला का घर है। खुदा 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 कमाल करती हो तुम भी। क्या वो सारी जिंदगी अपनी बेटी को घर में बिठा रखेंगे, और वो भी उस लड़के के लिए जो किसी और लड़की के इश्क में दर बदर की ठोकरें खा रहा है? बी प्रैक्टिकल। तो क्या उन्होंने कहीं बात चलाई है उसकी? मेरी डिटेल में बात नहीं हुई, मुझे तो खुद मेरे बेटे ने लोगों की नजरों में गिरा दिया है। और फिर नरमीन जैसी लड़की जिसके लिए शहर की बड़ी से बड़ी फैमिली रिश्ता मांगने के लिए बेकरार हो गई। सुमेन, हमारी किस्मत में नहीं है कि वो लड़की हमारी बहू बने। मैं तो दिलावर के सामने नजरें उठाने के काबिल भी नहीं रहा। ओ यार, आजकल एफएम वाले टेशन बहुत हो गए हैं, मतलब के गाने नहीं लगाते यार। ओ आ गया मेरा सोना, ओ इधर आ जा बहू। यार देखा नहीं आया,
अच्छा, तेरे पास आगे बात करनी पड़ेगी। यार, और मैं समझ गया हूं तेरे मसले को, और ये भी समझ गया हूं कि तू खुद हल नहीं कर सकता अपने मसले को, है ना? कोई मसला नहीं है। नहीं, तू जा। कैसे नहीं है? है, बिल्कुल है। चल बताओ मुझे। और अभी तो तू कह रहा था कि तुझे पता है कि मेरा मसला क्या है। हाँ, मैं तेरे मुंह से खुद सुनना चाहता हूं यार। खुद भाई मुझे तंग ना कर यार, मेरी गल सुन। मेरी आदत है मजाक शाह करने की, मेरी बातों का बुरा ना माना कर यार। आखिर तू चाहता क्या है कपूर में? बाबू, मैं चाहता हूं कि खुशी खुशी टाइम गुजारा कर, हंसा खेला कर यार, मेरी तरह गाने सुनाकर। खुदा का वास्ता मेरी जान छोड़ दे, मुझे अकेला छोड़ दे थोड़ी देर के लिए। माना तू हमारा हेड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरी उल्टी सीधी बकवास सुनता रहूं। ये मेरी ड्यूटी में शामिल नहीं है। जान छोड़ दे मेरी, मैं जा रहा हूं यहां से। तो मेरा पीछा ना करना। मेरी मदद फरमा, मैं जीवन ध्यान में गिरफ्तार। मौलवी साहब, आपका खत। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलवी साहब, आपका खत है, ये ले। ईमान, या इधर मेरा चश्मा लाना, या फिर ये पढ़ो किसका खत आया। जी अब्बा जी, आप ही नहीं ना, रुको मैं पढ़ूंगी ना, आप मुझे दिखाइए। अब्बा जी, ये तो छोटी पप्पू का खत है, खैरपुर से। खैरियत? शादी का बुलावा है। शादी? किसकी शादी? परवीन आपा की शादी हो रही है, और हम सबको बुलाया है, अब्दुल्ला भाई को भी। परवीन इतनी बड़ी हो गई? अब्बा जी, जाएंगे ना शादी में। हाँ, क्यों नहीं भाई। क्या तारीख है, कब है शादी? ये है 25 तारीख, 25 अगस्त। हाँ, तो इसका मतलब है कि 15 दिन और हैं, तो बस तैयारी करो फिर। तुम दोनों को जाना होगा, और साथ अब्दुल्ला को भी जाना होगा। अब्बा जी, आप हमारे साथ नहीं जा रहे? नहीं नहीं भाई, तुम लोग नहीं समझते, मस्जिद की बड़ी जिम्मेदारी होती है, मैं नहीं जा सकूंगा। तो फिर ठीक है, मैं भी आपके साथ रहूंगी। ना 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 भाई, क्या बात कर रही हो? तुम दोनों बहने जाओगी, साथ अब्दुल्ला होगा तुम्हारे। ये मेरी ख्वाहिश है, मेरा हुक्म है। और यार, वो अल्लाह का पाक कलाम जो तू रोज पढ़ता है, असल में कलाम जलाली हो ना, तो बंदे की तबीयत में खामखा गुस्सा भर जाता है। निकाल दे तो सामने वाला गया, और ना निकले तो खुद सड़के सुआ। ये तूने वैसे चंगा नहीं किया बाबू। अरे मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूं। जिसके पास जाता है ना मन्नत पूरी करने, उससे इस गरम कलाम का तोड़ भी पूछ लेना। वहां से? किससे? अपने मुर्शिद पाक, अपने सोने से, और किससे? मगर वो तो नजर ही नहीं आता मेरा मुर्शिद। अजमारा होगा तुझे,
जांच रहा होगा ना भाई, तोड़ रहा होगा तुझे तकड़ी, कर रहा होगा तेरा। पर तूने तो बहू छाबा ही उल्टा दिया यार, ऊंचा बोल के पूरे को। लेकिन उसका इस बात से क्या ताल्लुक? ताल्लुक हर शय का हर शय से होता है, समझ समझ की बात है बाबू। अब्दुल्ला भाई क्या हो गया? मैं एक ही हूँ। अब्दुल्ला भाई, ये मैंने कुछ चीजें इसमें लिख दी हैं, ये आपने लेकर आनी है शादी में ले जाने के लिए। ले ना। तुम भी ना, बस तुम्हारी लिस्टें खत्म नहीं होती। अच्छा, कब लाएंगे ये सब? ले आऊंगा ना, बोल दिया। अच्छा ईमान जी, तुम्हें कुछ मंगवाना है? नहीं, कुछ खास नहीं। अब्दुल्ला भाई कब लाएंगे? यही कोई 2 महीने लगेंगे। ओहो अब्दुल्ला भाई, आप भी ना बस जल्दी लाइएगा। खुदा के लिए शाकिर, मुझे बताओ हमाद कहाँ है? देखिए बड़ी बीबी, अभी कुछ दिन पहले वो मेरे घर आए जरूर थे। अच्छा जी हाँ, लेकिन मैं घर पे नहीं था, मुझसे नहीं मिले, फिर वापस चले गए। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वो दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे। देखो शाकिर, मुझे बड़ी बीबी मत समझो, मैं एक माँ हूँ और एक माँ बन के तुमसे इल्तिजा कर रही हूं। अगर हम माँ तुम्हारे घर आए तो मुझे जरूर बताना। जी बीबी साहबा, जरूर। अब मुझे इजाजत है, मैं जाऊं। रुको एक मिनट। ये लो शाकिर, निकट के लिए कुछ ले जाना। नहीं बड़ी बीबी, ये मैं नहीं लूंगा। भाई शाकिर, मैं अपनी खुशी से दे रही हूं। बड़ी बीबी, हमारे बाद मेरा भी कुछ लगता था। सारे नमाजी जब चले जाएं तो तुम मस्जिद बंद कर। जी बेहतर है। मौलवी साहब, मुझे आपसे एक दरख्वास्त करनी है। मौलवी साहब, आपसे दरख्वास्त है। कहो। मौलवी साहब, मैंने नमाज याद कर ली है, दुआ खुनूत भी याद हो गई है मुझे अच्छी तरह। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। मेरी पूरी बात तो सुन लिया। मैं चाहता हूं कि मुझे आप 6 कलमे भी याद करा दें और 2 ईमान भी। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 कलमे फरमाए जी। पहला कलमा तैयब। पहला कलमा है तैयब। तैयब माने पाक। तैयब माने पाक। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। We'll be right back.
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। मेरे जब देखूं तो क्या समझूं, ये ईमान है बगावत। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरा किबला तू काबा है, मेरा तावीज़ अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम। अब तो गुस्सा छोड़ दे यार। हो गया, एक हो गया, ये रह गया बस। हया, ये सुर्ख दुपट्टे वाला सूट मत रखना। क्यों? ये तो इतना अच्छा लगता है आप पे आपी। ये तो मैं जरूर रखूंगी और आपको पहनना भी पड़ेगा। अच्छा, ज्यादा बातें मत किया करो, हर बात में तुम्हें इनकार करना होता है। अच्छा अच्छा, नहीं पहनिएगा, लेकर तो जाने दें। चूड़ियां भी रख ली। अच्छा हुआ दुल्हा भाई मेहंदी टाइम पर ले आए थे, वो भी मैंने पहले ही संभाल ली थी। बहुत वक्त ले रही हो तुम, असर से शुरू हुई भी हो। जल्दी कर लो, मुझे इशा भी पड़ी। बस बस बस, हो गया आप ही। बस ये थोड़ा सा, इसमें क्या है? इसको एक तरफ रख दो, क्या पता वो किसी और की चीज उठा लाए हो। देख तो लेने दे, इसमें है क्या। ओहो आप ही, ये तो वही चपले है ना जिसके मोती पहले टूट गए थे। ये अब्दुल्ला भाई आपके लिए दोबारा लेकर आए, बहुत अच्छी हैं। ये भी मैं रख लेती हूँ। भाई तैयारी हो गई? जी ताजन, हो गई। ताजन मैं तो अभी यही कह रहा हूँ कि मैं इनको छोड़ के वापस आ जाता हूँ, आप यहाँ कैसे रहेंगे इतने दिन? अरे नहीं भाई, नहीं नहीं, इनकी पप्पा बड़ी एहसास खातून है, वो बुरा मना जाएगी। और वैसे भी मैंने यहाँ जामा मस्जिद की खतीब से बात की हुई है मौसम के लिए, तो सारी बातें टिकट वगैरह इकट्ठे कर लिए। जी ताजन, वो तो सब हो गया। चलो फिर मान अल्लाह। पापा जान, आपको ये तनहा छोड़कर जाने को मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा, आप कहें तो मैं यहीं रुक जाऊं। मैं जानता हूँ मेरी बेटी को मेरी कितनी फिक्र है, लेकिन तुम्हारी पप्पो जो हैं वो, उनकी ये आखिरी खुशी है। अगर तुम नहीं गए तो बहुत नाराज होंगी। आओ शाबाश, चलो। आम मैं गया चाचा फौजी, इधर आ। मलाई वाली एक चाय लाना, ताली बना के गर्मा गर्म। भाई साहब जी। हाँ यार, तो फिर भाई मेरा दिल नहीं कर रहा, मना कर दो उसको, मैं नहीं चाय पीऊंगा। और यार कैसे नहीं पिएगा, तेरी मेरी सुलह हुई है, मलाई वाली चाय भी नहीं पिएगा।
अब सुने सवारी आ गई, तुम बैठो मैं देखता हूं। सवे सवे नहरां दे कुली चाहिए जी। फ्रेंड मैं ले आता हूँ, गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी, ये सामान मुझे दे देना, कैसे छोटा बैग मिल सकता है। मेरा बोगी में मां साहब, मां साहब आपकी इस मेहरबानी का तो मुआवजा भी नहीं दे सकते। भावलपुर से ट्रेन जाती तो हमें कभी पता ना चलता कि आप यहां हैं, समझ सकता हूं। आपने क्या हालत बना ली अपनी मां साहब, मेरी आपसे गुजारिश है आपने घर लौट जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा